Hi friends, myself Braj Bhushan Shukla and welcome to you all in my channel BBS Advice. Friends, हमने previous video में हमारे lecture 3 में पढ़ा कि program में कितने section होते हैं और उसके बारे में जाना है. अगर आपने ना देखा हो तो वो video देख लें जिससे हमारे basics clear हो जाएं. आज हम पढ़ने वाले हैं first program of C language. तो हम इसमें बात करेंगे कि हम C language में first program एक छोटा सा program बनाने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे कि first program यानी C language में छोटा सा program कैसे बनाते हैं. हम इसमें एक छोटा सा आउटपुट प्रिंट करेंगे जिससे आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे. चलिए तो प्रयास करते हैं. हम एडिटर यूज़ कर रहे हैं उसका कोड लिखने का एडिटर यूज़ कर रहे हैं क्विंसी. आप और भी एडिटर आते हैं, टर्बो सी है, नोटपैड प्लस प्लस है, उसका यूज़ कर सकते हैं. चलिए ये हमारा ओपन है क्विंसी. इसमें हम जाएंगे फाइल में और न्यू कर देंगे. न्यू में ये आता है C++ सोर्स फाइल, सी सोर्स फाइल. तो आपका C++ कोड लिखना चाहते हैं तो C++ सेलेक्ट करें, सी का कोड लिखना चाहते हैं तो सी सोर्स फाइल सेलेक्ट करें और ओके कर दें. ये ओपन हो गया. अब हम इसमें कोडिंग करते हैं. अगर हमको फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा करनी है तो हम टूल्स में जाके ऑप्शन में जाके एडिटर में जाके इसको प्लस या माइनस करके साइज़ को बढ़ा घटा सकते हैं. तो चलिए कोडिंग करते हैं. सबसे पहले एस इंक्लूड stdio.h, उसके बाद मेन फंक्शन, उसके बाद इसका कर्ली ब्रेसेस ओपन और इसमें हमने एक सिंपल जो है यूज़ कर लिया printf. अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. और इनवर्टेड कॉमा में हमने वैल्यू लिख दी, सॉरी इनवर्टेड कॉमा में वैल्यू लिख दी हमने वेलकम टू यू ऑल इन BBS एडवाइस चैनल. मान लीजिए मैसेज हमारा होता है और इसको कर देंगे बंद और ये हो गया मेन का कर्ली ब्रेसेस बंद. एक छोटा सा प्रोग्राम है ये हमारा. अब हम इसके बारे में समझते हैं. हैश इंक्लूड क्या है? यहाँ पे हैश इंक्लूड तक ये प्री प्रोसेसर कमांड है जो हमारी हेडर फाइल को, ये stdio.h एक हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसमें इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड सारे फंक्शंस मिलते हैं. और जैसे printf ये है एक आउटपुट फंक्शन है, इससे आउटपुट आता है. किसी भी मैसेज को हम प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पर या वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, तो हम आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं. तो वो आउटपुट फंक्शन यानी printf फंक्शन मिलता है stdio में. और डॉट एच इसका एक्सटेंशन नेम है, हेडर फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट एच. तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल जो मेन फाइल होती है सी की, इसको हमको लगाना ही पड़ता है. तो हम प्रोग्राम में इसको लिंक करना चाहते हैं इसलिए हम हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर कमांड का यूज़ करते हैं. यानी इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के द्वारा किसी भी हेडर फाइल को प्रोग्राम में लिंक किया जाता है. अभी हम आगे भी पढ़ेंगे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनके लिए अलग अलग हेडर फाइल का यूज़ किया जाता है, तो उन हेडर फाइल को भी नीचे लिखा जाता है. हैश इंक्लूड कोनो डॉट एच, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, ऐसे आप बहुत सारी हेडर फाइल पढ़ेंगे आगे. दूसरा सेक्शन हमारा है मेन फंक्शन. हमने जैसे कि कल बात की थी कि प्रोग्राम में मेन फंक्शन इसेंशियल होता है, यानी इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि मेन फंक्शन इसेंशियल पार्ट है, ये मेन सेक्शन होता है और इसी के अंदर का पार्ट ही एग्जीक्यूट होता है. मीन्स उसी का रिजल्ट आता है और उसी के रिजल्ट को हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख पाते हैं. यानी इसी के अंदर जो मैटर लिखते हैं वही एग्जीक्यूट होता है, वही रन करता है. तो हमने यहाँ पर एक printf कमांड है जिससे हम आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं. उसमें हमने इनवर्टेड कॉमा में वेलकम टू यू ऑल इन BBS एडवाइस चैनल एक मैसेज दे दिया. क्योंकि ये मैसेज है इसलिए इसको डबल कोट्स में लिखा गया है, देखिए. और printf कमांड के आगे ये पैरेंथेसिस ओपन होता है और ये पैरेंथेसिस क्लोज होता है, इसके अंदर हमारा डाटा होता है. तो हमने लास्ट में देखिए सेमीकॉलन लगाया जिससे ये पता चलता है कि लाइन यहाँ पर फिनिश हो गई है. मीन्स स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं इसको, इस ये लाइन को फिनिश करता है. मीन्स हम यहाँ पे मेन के अंदर बहुत सारे बॉडी बनाते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट लिखते हैं, उसको हम टर्मिनेट करते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर से, मीन्स सेमी कॉलन से. जो हमारा छोटा सा प्रोग्राम है ये हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, देखिए. चलिए इसे रन कराते हैं. पहले इसे सेव कर लेते हैं. सेव कर लेंगे, यहाँ पे कोई नाम दे देंगे और सेव कर देंगे और यहाँ से रन करवाएंगे. देखिए ये रन है, रन और यस, ये रन होगा और हमारा आउटपुट हमारे सामने होगा. ये देखिए आउटपुट आ रहा है आपका, वेलकम टू यू ऑल इन BBS एडवाइस चैनल. ये एक छोटा सा मैसेज था जो हम लोगों ने देखा. तो आप शायद समझ गए होंगे कि printf कमांड से हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन के अंदर कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है
और हैश इंक्लूड क्या है और SVIO क्या है। तो दोबारा रिपीट करते हैं, हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर कमांड है जो हेडर फाइल को लिंक करता है। मेन फंक्शन, एक मेन फंक्शन होता है, उसके अंदर की बॉडी ही रन करती है। हम प्रिंट एफ कमांड कई बार इसे चला सकते हैं। इमेजिन हम प्रिंट एफ कमांड ऐसे लिए, सपोज दैट हमने इसको, मान लीजिए हमने इसे ही कॉपी कर लिया और हम यहीं पे पेस्ट कर दे रहे हैं, इसको हमने हटा दिया। और वहाँ पे मैटर हम चेंज कर दे रहे हैं, जैसे हमने कहा माई सेल्फ ब्रजभूषण शुक्ला, ये एक मैसेज है सिंपल सा। और फिर से मान लीजिए कुछ लिखना चाहते हैं तो प्रिंट एफ, यू ऑल आर लर्निंग, सॉरी सी लैंग्वेज। तो ये देखिए छोटा सा मैसेज, तो इतना हमारा ये छोटा सा, मानी थ्री स्टेटमेंट हमने लिख दिए। तो देखिए थ्री स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, इसके बाद भी टर्मिनेटर, इसके बाद भी टर्मिनेटर, मतलब तीनों लाइन में देखिए टर्मिनेटर लगा हुआ है। तो ये देखिए आउटपुट सिर्फ प्रिंट हो रहा है, यानी हम इसको रन करवाते हैं तो थ्री लाइन्स आ जाएंगी। अब ये देखिए तो हमारी जो लाइन्स हैं देखिए बार बार आ रहा है। ये देखिए वेलकम टू यू ऑल इन BBS एडवाइस चैनल, माई सेल्फ प्रभुजन शुक्ला, यू ऑल आर लर्निंग सी लैंग्वेज। ये देखिए एक ही लाइन में आ रहा है, तो हम अगर चाहते हैं कि एक लाइन में ना आए तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। स्केप सीक्वेंस करेक्टर होता है, वो आगे आप पढ़ेंगे, उसको आप लगा दीजिए स्लैश एन, हर लाइन के आगे स्लैश एन लगा दीजिए तो वो आ जाएगा यहाँ पे स्लैश एन, यहाँ पे भी स्लैश एन। तो अब देखिए लाइन स्लैश एन है, हर तीनों लाइन में स्टार्टिंग में लगा है, ये लाइन जो है चेंज कर देगा। अब देखिए रन किया, अब लाइन चेंज होके आएगी। देखिए वेलकम टू यू ऑल इन माई चैनल, माई सेल्फ नेम आ गया मेरा, और ये लर्निंग सी लैंग्वेज। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे कोई आउटपुट प्रिंट करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने बस इतना सीखा कि फर्स्ट प्रोग्राम हमारा छोटा सा सिंपल प्रोग्राम जिसमें हम एक सिर्फ मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आप सी लैंग्वेज को बेहतर सीखना चाहते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके हर वीडियो को प्रॉपरली देखें, लास्ट तक देखें, जिससे आपको हर टॉपिक क्लियर हो जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हैव अ नाइस डे।